महिला दिवस पर एसपी की अनोखी पहल संभल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संभल के एसपी यमुना प्रसाद ने बड़ी और सराहनीय पहल की है, जिसके तहत संभल के थाना चंदौसी को एक दिन के लिए महिला पुलिस कर्मियों को समर्पित किया। चंदौसी कोतवाली की समूची पुलिसिंग आज महिलाएं कर रही हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने की तमाम बड़ी बड़ी बातों के बीच संभल एसपी यमुना प्रसाद ने आज जिले के थाना चंदौसी को महिलाओं को समर्पित कर दिया। जहां ड्यूटी पहरा की हो, बीट की, जीडी की, एफआईआर लिखने की, अभियुक्त को गिरफ्तार करने अथवा थाना अध्यक्ष की समूची पुलिसिंग आज महिलाएं कर रही हैं, जिन्हें पुलिस के सभी कामकाज आज करने हैं। एसपी यमुना प्रसाद ने महिला पुलिसकर्मियों की आज की वर्किंग को न सिर्फ बढ़िया बताया, साथ ही उन्होंने इसे शानदार भी कहा है। सर, फील महसूस हो रहा है और आपने क्या क्या निर्देश दिए गए हैं और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये जो आज का दिन है, स्पेशली वुमेंस डे के रूप में मनाया ही जाता है, सभी को मालूम है। और धप्पा साहब की तरफ से हम सभी महिलाओं को, सभी लोगों को ये आज के दिन की बहुत शुभकामनाएं दी गई हैं और सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत शुक्रिया है उनका। उसके साथ ही जो आज का दिन महिलाओं के लिए नामित किया गया है, तो चंदौसी कोतवाली को चुना गया है, इसमें सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ बता दी गई हैं। बतौर थाना अध्यक्ष यहाँ थाना क्षेत्र में, चूँकि अब होली का माहौल है और होली के मद्देनज़र रखते हुए जो भी शांति व्यवस्था से संबंधित ड्यूटीज़ हैं वो लगा दी गई हैं। होली हमारे यहाँ क्षेत्र में 54 जगह पर, जैसे होली का दहन होता है, उसकी ड्यूटीज़ भी लगा दी गई हैं। सब इंस्पेक्टर और कॉन्स्टेबल, होम गार्ड्स, ड्यूटीज़ अपने अपने पॉइंट पर हैं, सभी 8 बजे के तकरीबन पहुँच जाएंगे और इन्हीं ड्यूटीज़ को मैं निकलूँगी शाम को चेक करने के लिए, सभी को निर्देश भी दे दिए गए हैं। आपने बिजली की एक सराहनीय पहल की है, तो आज ये महिला कर्मियों क्या किस तरह से निर्देश दिए गए हैं, क्या जनपद संभल में, चूंकि एक ऑफिशियली फंक्शनल थाना नहीं है महिला थाने के रूप में, तो हमने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो हमारा चंदौसी थाना है, इसको आज महिलाओं को भी समर्पित किया है। और इसमें हमारी जो इंस्पेक्टर हैं, जो भदौरिया, इनके कमान में इनकी पूरी टीम को आज मौका दिया गया है। आज दिन भर इन्हीं के नेतृत्व में पूरी टीम यहाँ पे काम करेगी। सेंट्री ड्यूटी, जीडी ड्यूटी और मुंशी पहरा और महिला हेल्प डेस्क और ग्राउंड ड्यूटी जितनी है, संबंध अमीला और अपराधियों की FIR से लेकर के उनकी गिरफ्तारी तक सारा कार्य आज महिला कर्मी ही हमारी देखेंगी। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे एक सम्मान और उपहार के रूप में है। हम उम्मीद करते हैं कि आज ये अपना दायित्व बहुत ही अच्छे उत्साहपूर्ण तरीके से मनाएंगी। और यहाँ पे अभी देखने में जो आया, सभी से बात करके वो लगा कि वास्तव में ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि इन्होंने जो प्रदर्शन किया यहाँ पे साफ सफाई के रूप में, अपने दायित्वों के निर्वहन के रूप में, FIR काटने के रूप में, वो बहुत ही अच्छा उच्च कोटि का प्रदर्शन है। और आज पहला अपराध भी महिला संबंधी अपराध है और उसमें ये लोग आज दबिश भी देंगे, कार्रवाई भी करेंगे, अरेस्टिंग भी करेंगे और सभी लोग प्रॉपर तरीके से पुलिसिंग, आज जो एक कोर पुलिसिंग होती है उसमें महिलाओं के द्वारा आज प्रदर्शन किया जाएगा। ये पूरे दिन ये कार्यक्रम रहेगा इनको समर्पित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे। मैं इनको ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सभी बहनों माताओं को, सभी को अंतर्राष्ट्रीय विमेंस डे की ढेरों शुभकामनाएं और उनको हार्दिक बधाई। महिला सशक्तिकरण के रूप में एक पुलिस प्रशासन कैसे कार्य कर सकता है, एक उदाहरण के रूप में भी हम उनके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।